मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। होने चाहिए मुज़ाकरात, ये तो मुल्क के मफाद में भी है। जी हाँ, क्यों नहीं, मुज़ाकरात तो होने चाहिए। खान साहब जो कर रहे हैं टेबल टॉक, ये बहुत जरूरी है। पॉलिटिशियन का काम है, हमारा काम तो नहीं है। जी बिल्कुल होने चाहिए। जहरी बात है, हर एक के साथ हमारे जो है ना वो होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मावा राजपूत और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डेस्क। आज हम बात करेंगे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में। क्या हुकूमत को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। क्या दोबारा ये ब्लैक मेलिंग पर उतर सकते हैं, या क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोबारा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हो सकते हैं? इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? जानते हैं आम शहरियों की राय इसके बारे में क्या है। वाक़ा हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा सानिया है, तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि मैं उसके हक में नहीं हूँ और इस तरह के मुज़ाकरात उनके साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उसमें वो अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। तो मेरा तो अपना नज़रिया यही है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए इस बारे में। बिल्कुल होने चाहिए मुज़ाकरात, ये तो मुल्क के मफाद में भी है और तालिबान तो जो है वह अल्लाह और रसूल की बात करते हैं। ये तो कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है या कोई फसादी तंजीम नहीं है। बिल्कुल इनके साथ मुज़ाकरात करें और मुल्क में अमन होना चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तालिबान पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाकयात में मुलव्वस थे, तो आपको नहीं लगता कि अगर मुज़ाकरात होती हैं दोबारा से और उनको स्पेस दी जाती है पाकिस्तान में दोबारा से, तो वो दोबारा से यही सब कुछ करेंगे? नहीं, ये सिस्टर वैसी बात तो नहीं है। ये जो कुछ तंजीमें हैं जो कर रही हैं, ये सब तो हम नहीं कह सकते कि तारीख तालिबान ही है। पाकिस्तान में 100 तंजीमें हैं, तो ये तालिबान के नाम पे ये ग्रुप बने हुए हैं, ये लोग कर रहे हैं। तालिबान बेसिकली ये अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी हाँ, क्यों नहीं, मुज़ाकरात तो होने चाहिए। तालिबान जो हैं बहुत ठीक हैं, बिल्कुल अभी इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि कश्मीर को के बारे में भी सोच रहे हैं कि उसको भी आज़ाद करने के लगे हुए हैं वो। पर जो तालिबान पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाकयात में मुलविस रह चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल बात तो ये है ना कि उनके पास हकीकत तो कुछ भी नहीं है ना, उनके पास सबूत होने चाहिए। जब सबूत हैं तो वो तो फिर ठीक है, सबूत नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है, तो गलत बात है। होना चाहिए क्योंकि इसमें अमन है, अमन है तो फिर पाकिस्तान के लिए, सब आवाम के लिए बेहतर होगा। और अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग करते हैं और पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी शुरू कर देते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान नुकसान ही है। तो फिर मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं? मुज़ाकरात होना चाहिए, बेहतर तरीका ये है कि मुज़ाकरात के तरीके हाल होगा और कोई हाल नहीं होगा बगैर नुकसान का। अच्छा, बात ऐसी है कि देखें, गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो इस वक्त बहुत बेहतर कर रही है मुज़ाकरात के। देखें आप, सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी इशू खड़ा हो जाए उसके ऊपर आप इससे पीछे चले जाएं, पीछे ज़माने में लड़ाइयाँ होती रही, आखिर बेसिकली बात उसी बात होती है जब टेबल टॉक होती है। जब सब काम ख़त्म होने के बाद टेबल टॉक होते हैं तो पहले नुकसान जो कर चुके होते हैं उसको नुकसान को बचाने के लिए पहले टेबल टॉक हो जाए तो अच्छा बात नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो कर रहे हैं टेबल टॉक, ये बहुत ज़रूरी है और टेबल टॉक पर ही बात ख़त्म होगी, टेबल टॉक के अलावा ये बात ख़त्म नहीं हो सकती, वरना ये मिसाइल उलझेंगे। वो भी आप दे सकते हैं, बेसल ये अमेरिका हो गया, सारे हो गए, वहाँ गए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो टेबल टॉक पे ही आना चाहते हैं, तो टेबल टॉक के अलावा बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि टेबल टॉक ही की जाए, उससे उनसे मुज़ाकरात होनी चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान है और हमारा पूरा मुल्क मुसलमान है, इस वजह से आपस में मुज़ाकरात होनी चाहिए, खून खराबे से बात नहीं चलती। लेकिन आपको याद होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात के बाद दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ेंगे बल्कि ख़त्म होगी मुज़ाकरात से। मेरे ख्याल से जिस तरह भी होना, अगर पॉलिटिशियन को अगर ठीक लगे, अगर हमारे लिए अच्छा हो और अफगान के लिए भी अच्छा हो तो होने चाहिए, और अगर ना हो अच्छे तो ना होने चाहिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन का काम है, हमारा काम तो नहीं है, तो उस वो बेहतर जानते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल होने चाहिए, देयर इज़ नो अदर वे बिसाइड टेबल टॉक, और टेबल टॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप काफ़ी क्योस से बच सकते हैं, तो मेरे ख्याल से होने चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी के पिछले वाकयात को अगर मद्देनज़र रखें तो आपको नहीं लगता कि तहरीक तालिबान फिर से वही दहशतगर्दी पाकिस्तान में? देखें, सब लोग बुरे नहीं होते, जो बुरे हैं उनको साइड पे करना चाहिए, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो लीडरशिप में जो अच्छे लोग हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। जहरी बात है, हर एक के साथ हमारे जो है ना वो होने चाहिए, क्योंकि जब हम हर एक को जो है ना अपने साथ ले कर चलेंगे
तो फिर ये बदनामी और ये जो है ना एक दूसरे के खिंचाई नहीं होगी। तो जब हम एक को सपोर्ट ही नहीं करते किसी को, और जब सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो ज़हरी बात है फिर वो अपने मनचाही काम करेंगे और वो हमारे मुल्क के लिए भी, आवाम के लिए भी जो है ना वो नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन जब हम सबको साथ लेके चलेंगे तो ज़हरी बात है फिर हम अमन से रह सकते हैं, और हर एक के बंदे के हम राज को भी जान लेते हैं क्योंकि उनके साथ हम रहते हैं, और उनकी बात सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके मकासद क्या है। जब मनफी मकासद होंगे हम उन्हें बताएंगे कि ये आपके मनफी हैं और ये हमारे मुल्क और मिल्लत के लिए ये ठीक है। तो आपका ये कहना है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान हुकूमत कर लेते हैं तो हम उनको अमन के साथ उनके साथ रहने की दावत दे रहे हैं? बिल्कुल, यही हमारा जी। तो आपने आम शहरियों की राय जानी, शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया। बहुत से शहरियों का ये कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। ऐसे ही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए क्योंकि पिछले दहशतगर्दी के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ये एक ख़तरनाक इकदाम भी हो सकता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा मैन जायद परवेज के साथ मावा राजपूत, देखते रहिए रिपोर्टर्स डेस्क।